हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज का इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दिस वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी फॉर इलेक्ट्रोस्टेटिक्स एज वेल एज मैग्नेटिज्म। सेम टॉपिक आप फ्यूचर में पढ़ने वाले हो, मैग्नेटिक फ्लक्स। सो डिटो इसके जैसा ही है। सो आप इसमें गौर से पढ़ो, इसको अच्छी तरह से याद रखो, अपने माइंड में स्टोर करो। और ये जो फंडामेंटल है वो एरिया पे डिपेंड करता है। किस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है? एरिया पे। एरिया आपको पता होगा, एरिया इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। कई बच्चों को तो ये भी पता नहीं है और वो फिजिक्स पढ़ते हैं, पूरा 12th स्टैंडर्ड खत्म कर देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि एरिया वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। सो व्हाई द एरिया इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट एरिया वेक्टर। ओके, सो व्हाट इज अवर मेन टाइटल? एरिया वेक्टर। इन दैट वन वी हैव टू रिमेंबर टू कंडीशंस। नंबर वन, दिस इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। इफ वी प्लेस वन प्लेन ओवर हियर, आई एम शोइंग हाउ दिस प्लेन इज लुक लाइक। सो ये रहा प्लेन, इसको आप प्लेन इमेजिन कर सकते हो, ओपन सरफेस है। सो ये यदि मैं यहाँ पे रखूँ तो आप इमेजिन करो कि ये वाला प्लेन यहाँ पे रखा हुआ है, इसकी लेंथ है एल, विड्थ है बी। सो व्हाट इज द एरिया? यू नो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एल इंटू बी। बट व्हाट इज द डिरेक्शन? दिस शोज द मैग्नीट्यूड, बट वी आर फोकसिंग एरिया इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। सो टू अंडरस्टैंड द डिटेल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड द एरिया वेक्टर। सो ये वाले शेप का एरिया हमको पता चल गया एल इन टू बी, बट एरिया इज अ वेक्टर, सो वी नीड टू बोदर अबाउट द डिरेक्शन। सो ये हमने कहाँ पे प्लेस किया है, आप इमेजिन करो, एग्जैक्ट प्लेन में। सो ऐसा है एग्जैक्ट प्लेन में। सो इसके परपेंडिकुलर इसकी डिरेक्शन होगी। वाई परपेंडिकुलर? उसके लिए आप क्रॉस प्रोडक्ट यूटिलाइज करो, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। याद आया कि नहीं? ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, वेयर एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डिरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस। सो इसके परपेंडिकुलर क्या है? ये एग्जैक्ट प्लेन में है। इसके परपेंडिकुलर एक्स इज प्लस वाई और माइनस वाई। सो यदि ओपन सरफेस, द डिरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर वी आर कंसिडरिंग इन बोथ डिरेक्शन, आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड। दैट्स वाई वी हैव शोन द डिरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, आइदर यू कैन से इन दिस डिरेक्शन और इन दिस डिरेक्शन। ओके, बट ये सरफेस से कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। नाउ वी स्विच टूवर्ड्स दी अनदर 3D ऑब्जेक्ट। सो यदि हम 3D सरफेस लेते हैं, मीन्स क्लोज सरफेस, क्यूब है, सिलेंडर है, स्फीयर है, तो यदि हमने दो एग्जांपल लेने वाले, ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। क्यों? फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्लेन करने के लिए ये हम डिस्कस करते हैं, फ्यूचर में आपको बहुत ही ये हेल्पफुल होगा। सो ये वाला सिलेंडर है, ये स्फीयर है। सिलेंडर इमेजिन करिए, ये सिलेंडर है। सिलेंडर मीन्स आप अपनी बॉटल का शेप भी सिलेंडर ले सकते हो। ओके, सो आई एम एक्सप्लेनिंग हाउ दिस सिलेंडर इज वर्किंग। सपोज दिस इज माई सिलेंडर। सो उसके थ्री सरफेस है, ये सर्कल वाला, ये दूसरा और ये तीसरा कर्व्ड सरफेस। सो यहाँ पे भी एरिया वेक्टर हमने शो किया है, ये एरिया वेक्टर है परपेंडिकुलर, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है। सो ऑलवेज एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, बट फॉर 3D और क्लोज सरफेस दैट इज ऑलवेज आउटवर्ड। एंड नॉर्मल का मीनिंग आपको पता है 10th स्टैंडर्ड में, परपेंडिकुलर होता है। सो ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल कंसिडर एज एरिया वेक्टर ए फॉर 3D ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आउटवर्ड डिरेक्शन में, ये भी आउटवर्ड है, इनवर्ड नहीं बताया है। फॉर ओपन सर्फेस बोथ दी डिरेक्शन आर करेक्ट। ओके, नाउ लुक एट हियर दिस स्फीयर हैविंग सेंटर ओ। सो इस वाले पॉइंट पे एरिया वेक्टर कितना है? ये सरफेस से परपेंडिकुलर होगा, रेडियली आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड यू कैन से। और यहाँ पे भी ये पॉइंट पे क्या होगा? आउटवर्ड। और कैसा होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और ये वाली सरफेस क्या है? स्फीयर है।
सो इनसाइड नहीं लेना है आपको, ये चीज अच्छे से पता होनी चाहिए। फॉर 3D शेप और क्लोज सरफेस और ऑलवेज एरिया वेक्टर इज आउटवर्ड नॉर्मल, एंड फॉर ओपन सरफेस एरिया वेक्टर इज कंसिडर एज इन बोथ डिरेक्शन। ओके सो आई होप ये आप सेपरेटली लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। यदि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो ये वाला पोर्शन आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट के लिए ये पता होना चाहिए। सो यू राइट सेपरेटली दिस थियरी एरिया वेक्टर। ओके नेक्स्ट मेन थियरी की ओर बढ़ते हैं, वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्लक्स। जो फ्लक्स फिजिकल वर्ड है, इलेक्ट्रिक का मतलब आपको बताए, ये चैप्टर हमने ऐसा ही पढ़ा है, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लक्स? फ्लक्स जो क्वांटिटी बताए, यहाँ पे किसकी क्वांटिटी है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्वांटिटी है। सो क्या होगा इसकी डेफिनेशन? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं डायग्राम से। ये पॉजिटिव डिरेक्शन में क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इक्वी स्पेस एंड पैरेलल टू ईच अदर। सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शोन है पॉजिटिव एक्स में, और ये दोनों मैंने सरफेस बताई है ऐसी, ये ऐसी है और ये वाली ऐसी है। ओके आप इमेजिन करो ये वाली ऐसी है। सो व्हाट इज द एरिया वेक्टर फॉर दिस? परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। एंड व्हाट इज द एरिया वेक्टर फॉर दिस? परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। ओके नाउ आई एम ड्रॉइंग द एरिया वेक्टर फॉर दिस वन। ओके ये आप देख लो, ऐसे मैंने प्लेन रखा है और इसके लिए रेडियली आउटवर्ड ऐसा आएगा। तो यहाँ पे मैंने बताया है वेक्टर ही ऐसा है। लास्ट टाइम्स आई एम शोइंग ये वाला प्लेन ऐसा है। आप ऐसे इमेजिन करो, ये ऐसे रखा है और इसको मैंने रोटेट किया 90 डिग्री से। ये वाला ऐसे था और रोटेट किया 90 डिग्री से। तो क्या है इसका एरिया वेक्टर? इन द डिरेक्शन ऑफ एक्स। एंड इसका एरिया वेक्टर क्या आया? इन द डिरेक्शन ऑफ वाई। सो यहाँ पे मैं प्लेस करता हूँ, ये मेरा एरिया वेक्टर है और यहाँ पे ये वाला एरिया वेक्टर है। ओके सो फर्स्ट केस में ऐसा है, सेकेंड में ऐसा रखा, ये हम सिचुएशन पढ़ रहे हैं। तो ये वाला एरिया वेक्टर है और ये वाला, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डिरेक्शन है, तो ये वाला एंगल हो गया 90। यहाँ पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डिरेक्शन में है, सो व्हाट इज एंगल बिटवीन दिस टू? थीटा इज 0। व्हाट इज एंगल बिटवीन दिस टू? थीटा इज 90 और पाई बाय 2 रेडियन। नाउ हाउ द फॉर्मूला इज गिवन बाय द साइंटिस्ट? सो उसके लिए आप एक एक्स्ट्रा फिगर आपको ड्रॉ नहीं करनी है, लेकिन आपको अंडरस्टैंड के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। तो आप राउंड करके अपनी नोट में कॉपी कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में लिखना नहीं है। तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे ये कॉन्सेप्ट साइंटिस्ट ने हमको दिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे हम इमेजिन करते हैं ऐसा कोई एक प्लेन है ऐसे रखा है, तो इसमें से कितनी फील्ड लाइन्स पास हो रही है? ओनली वन। यह हम ज़्यादा ड्रॉ करते हैं ताकि आपको पता चले। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स आर पासिंग थ्रू दिस एरिया? 1, 2 एंड 3। ओके यदि मैं इसकी साइज बढ़ाता हूँ, इसका एरिया A1 है, मैं इसकी साइज बढ़ाता हूँ, तो ऐसी कोई लूप प्लेन है मेरे पास, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका एरिया A1 है, इसका A2 है। सो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो पास हो रही है वो इस वाले शेप में कम है और इस वाले शेप में ज़्यादा है। सो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि फाई इज प्रपोर्शनल टू एरिया। जो फ्लक्स है वो किसके प्रपोर्शनल है? एरिया के। एरिया ज़्यादा होगा फ्लक्स ज़्यादा होगा, एरिया कम फ्लक्स कम। ओके यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1, 2, 3, 4, 5 लाइंस आर पासिंग, यहाँ पे थ्री लाइन पास हो रही है। सो इसके लिए फ्लक्स हम 3 यूनिट कंसिडर करें, तो इसके लिए क्या आएगा? 5 यूनिट। तो आपको पता चल गया कि फ्लक्स किस पे डिपेंड है? एरिया पे। यदि हम सेकेंड डायग्राम इमेजिन करते हैं ऐसा, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्स डिरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स डिरेक्शन में, और यहाँ पे हमने ऐसी एक सरफेस ले ली। आप देख सकते हो ये वाली सरफेस, ये सरफेस हमने ली, और हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? फील्ड लाइन्स
आर क्लोजर टू ईच अदर. इफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको बढ़ानी है तो फील्ड लाइंस आर क्लोजर टू ईच अदर एंड उसके हिसाब से क्या बढ़ेगी, डेंसिटी. डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन बढ़ेगी. तो क्या करना है, फ्लक्स और किस पे डिपेंड करता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस वाले केस में कौन कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है, ओनली दो. नाउ इफ वी इंक्रीज दिस फील्ड लाइन्स, सो यहाँ पे हमने फील्ड लाइन्स इंक्रीज कर दी, तो आपको पता होगा इनिशियल केस में कितनी लिंक हो रही थी, कितनी पास हो रही थी, ओनली दो. और इस वाले केस में कितनी हो रही है, 1, 2, 3, 4, 5. सो क्या किया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करने पे फील्ड लाइन्स क्लोजर हुई और डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन्स इंक्रीज हुई. दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑल्सो प्रपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, फ्लक्स बढ़ेगा. तो इस वाले कॉन्सेप्ट से साइंटिस्ट ने हमको एक फॉर्मूला दिया जो आपको डायरेक्टली लिखना है. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फाई ई ए कॉस थीटा, व्हाई वी आर प्लेसिंग हियर कॉस थीटा, उसका भी मैं आंसर आपको दे दूंगा इस लेक्चर में. वो उस वाली कंडीशन मैंने ड्रॉ किए और आपको एक्सप्लेन भी की. नाउ व्हाट इज माय फ्लक्स फाई ई ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर ए. आपको डॉट प्रोडक्ट पता है, यदि नहीं पता है तो 11th का बेसिक आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए और क्रॉस प्रोडक्ट भी ट्राई कीजिए, क्योंकि ये सब आपको नहीं आएगा तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है. सो थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर ए. व्हेनेवर वी आर प्लेसिंग द डॉट फॉर एनी, whenever we are representing any physical quantity, two physical quantity with a dot in between them, vector e dot vector e, so that must be the resultant physical quantity must be a scalar. So आप लिख सकते हैं phi is always scalar. आपको पता है force into perpendicular distance f dot d, उसका आंसर था वर्क, और वर्क इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी. ओके, सो ये cos theta वाला टर्म क्यों यहाँ पे आया है, वाई दे हैव सिलेक्टेड एज अ डॉट प्रोडक्ट. सो उसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पे लॉजिक, यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी है, मैक्सिमम है, यहाँ पे कितनी है, जीरो. वाई ये वाली सिचुएशन ही है, तो जो भी फील्ड लाइंस है वो इसको क्रॉस करके जाएगी, ये वाले सरफेस को, इसमें से पास होके, और यदि मैं ऐसा रखता हूँ तो इसको छू कर जाएगी. मीन्स नन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विद पास दिस प्लेन, यहाँ पे इस वाले केस में. तो यहाँ पे फील्ड कितनी है, जीरो. फील्ड जीरो है, दैट फील्ड लाइन जीरो है, दैट मीन्स फ्लक्स कितना होगा, जीरो. सो उसके हिसाब से यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट यूज किए, दैट्स व्हाई वी आर यूटिलाइजिंग कॉस थीटा. तो आई होप कि ये वाला जो फंडामेंटल है वो आपके दिमाग में स्टोर हुआ होगा. ये वाला फंडा मैग्नेटिक फील्ड में भी हम अप्लाई करते हैं. तो इसका फॉर्मूला है ई डॉट ए ई ए कॉस थीटा. यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि व्हाट इज माय फ्लक्स ई ए कॉस जीरो, दैट इज ई ए. व्हाट इज माय फ्लक्स इन दिस केस, फाइन ई ए एंड कॉस 90. कॉस 90 इज जीरो. सो इस वाले केस में नन ऑफ दी फ्लक्स वी गेट, एंड यहाँ पे हम फ्लक्स मिलता है वो मैक्सिमम है ई ए जितना. ओके, तो व्हाट इज द यूनिट, आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया का क्या है, मीटर स्क्वायर. तो ये वाला सिंपल से आप बना सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमको डिराइव करना है, तो न्यूटन का क्या आएगा, एम वन एल वन टी माइनस टू. एरिया का क्या है, एल टू अपॉन. कूलम का क्या है, ए वन टी वन. तो इसको यदि मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो मुझे क्या आया, एम वन एल की पावर 1 प्लस 2 3, टी की पावर क्या आएगी, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, एंड ए की पावर माइनस 1. सो ये वाला डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का. ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का. तो आप इस तरह से ये पूरा डिटेल जो डिस्क्रिप्शन है आप पढ़ सकते हो. हम लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं. यहाँ पे है इसके डिफरेंट केसेस, यदि हम एंगल चेंज करते हैं तो क्या होता है. मैंने ये वाली डायग्राम में आपको पूरा बता दिया है कि क्या होने वाला है. तो एंगल कितना होगा, 0, 180 एंड 90. इफ एंगल बिटवीन ई एंड ए, वेक्टर ई एंड वेक्टर ए इज जीरो, देन व्हाट इज माय कॉस जीरो, ये वाला फ्लक्स कैसा होगा, मैक्सिमम. ओके, यदि एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर ए 180 है, दैट मीन्स इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा.
तो यहाँ पे कॉस पाई की वैल्यू कितनी है माइनस वन, कॉस पाई की वैल्यू कितनी है माइनस वन, सो आप प्लेस कर सकते हो माइनस ई ए। और यदि 90 केस है तो उसमें क्या होगा, फाई इक्वल टू ई ए कॉस 90, कॉस 90 कितना है जीरो, सो हम उसमें फ्लॉक्स कितना होगा जीरो। तो आप डायरेक्टली भी ढेर सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आपको पूछे जा चुके हैं और फ्यूचर में भी आपको ये बहुत ही काम की चीज़ है। ये तीनों डायग्राम मैंने ड्रॉ किए, यहाँ पे फ्लक्स जीरो है बिकॉज जो जितनी सारी फील्ड लाइन्स एंटर हो रही है सेम अमाउंट ऑफ फील्ड लाइन्स एग्जिट भी हो रही है, सो नन ऑफ द फील्ड लाइन्स विथ पासिंग थ्रू दिस सरफेस क्लोज सरफेस। यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड दिखा है, नेगेटिव है रेडियली इनवर्ड फील्ड लाइन्स है तो यहाँ पे फ्लक्स कितना होगा ग्रेटर देन जीरो, रेडियली आउटवर्ड है, यहाँ पे कितना होगा लेस देन जीरो। यदि ये आपको पता नहीं हो रहा तो आपको दूसरा लॉजिक मैं बताता हूँ, फाई ग्रेटर देन जीरो उसका मीनिंग ये भी होता है थीटा का, वो कैसे आपको पता है, ऑल एस टी सी आपको पता है यूनिट सर्कल, तो उसके हिसाब से हम क्या करने वाले हैं, फ्लक्स जीरो कब, जीरो से ज्यादा कब आता है मीन्स पॉजिटिव कब आता है, तो आप देख सकते हो फर्स्ट केस में थीटा हमने कैसा लिया जीरो, जीरो मीन्स 90 से कम है, सो जीरो से 90 के बीच में जो भी एंगल हम लेंगे उसमें फ्लक्स कितना आएगा पॉजिटिव। और ये वाले केस में वाई हमने ऐसा रखा थीटा इज ग्रेटर देन 90 बिकॉज फ्लक्स एक ही केस में नेगेटिव होता है, वो कौन सा वाला है, यदि मैं थीटा की वैल्यू पाई बाई टू से हायर लूंगा, ऑल एस टी सी आपको पता है जो 180 है वो किस कौन से क्वाड्रेंट में आता है, आपको पता है जीरो पाई बाई टू पाई एंड 3 पाई बाई टू, सो ये वाले केस में साइन पॉजिटिव है कॉस नेगेटिव है, सो आप ये रख सकते हो। सो ये वाला वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है और इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर एंड मोर वीडियोस। थैंक यू।